हेलो फ्रेंड्स, आज सीखेंगे हम जंप सूट बनाना। तो सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पे हमारा इलास्टिक सॉरी डोरी होगी। यहाँ पे हम जैसे नेफा बनाते हैं उस तरीके से बाहर की साइड नेफा बना के, और ये जो इसमें हिप का जो मेजरमेंट है वो लिया जाएगा। आपको पहले अपनी लंबाई नापनी है और वो मेजरमेंट मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि जितनी भी आपकी लंबाई है आपको इतना नहीं लेना है जितना हम ब्लाउज़ का लेते हैं। जितनी भी बच्ची के लिए बना रहे हो चाहे बड़े के लिए, उसकी हाइट के हिसाब से लंबाई लेनी होती है, शोल्डर से लेके कमर तक की। तो जिसके लिए हमने 3 मीटर कपड़ा लिया है, ये मेरा क्रेप का कपड़ा है। क्रेप का कपड़ा काफ़ी ठंडा होता है, तो इसमें से सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। और इसको मैं लगभग 15 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा हाइट की बच्ची के लिए बना रहे हो तो आपको टॉप पार्ट की लंबाई ज़्यादा लेनी होगी। तो जैसे मैंने इस टॉप पार्ट की लंबाई 17 इंच ली है, क्योंकि उसकी शोल्डर से लेके और हिप तक 17 इंच आ रही थी, तो मैंने 17 ली है। आप शोल्डर से लेके जो अपनी नाभि होती है वहाँ तक नापिए, शोल्डर से लेके वहाँ तक, और उसके बाद आपको पूरा मेजरमेंट करना है। तो मैंने 6.5 इंच पे लिया है शोल्डर, और 7 इंच पे लिए हैं आर्म होल, और उसके बाद जितनी भी ब्रेस्ट है उसका 4th पार्ट लेके, और उसमें आपको 2 इंच ज़्यादा लेना है। कमर का भी 4th पार्ट लेके और उसमें भी 2 इंच ज़्यादा लेना है, यानी ऊपर का और नीचे का बराबर रहेगा, क्योंकि वहाँ से हम इसमें डोरी डालेंगे जो लूज टाइट करने के लिए, और यहाँ से गोलाई दे देंगे। तो ये 4 तह में है कपड़ा मेरा, तो आगे और पीछे के दोनों पर्दे एक साथ हमारे कट के तैयार हो जाएंगे। बंद वाली साइड को हम गला बनाएंगे, खुली वाली साइड को हम मुड्ढे यानी कि जहाँ पे बाजू लगाते हैं। अब 3 इंच मैंने गले की चौड़ाई ले ली है और 6 इंच में गले की लंबाई ले रही हूँ। आगे और पीछे के गले हमारे दोनों बराबर रहेंगे। अगर आप चाहें तो इनमें से छोटा बड़ा गला अपने हिसाब से कर सकती हैं। इसमें भी हम गोल शेप दे देंगे, लगभग 1.5 इंच के गैप से 1/2 इंच का तीरा हम डाउन करेंगे गले से लेके आर्म होल तक। अब हम पहले गले की कटिंग करेंगे, और ध्यान रखें कपड़े को 4 तह में रखना है जैसे मैंने रखा है। और यहाँ से अब इसके शोल्डर की कटिंग करके बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल को हम पीछे वाले पार्ट को अलग करने के बाद ही अपने आगे वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखें आप। और कमर वाला जो हिस्सा है उसमें हिप का राउंड लिया जाएगा, जितना भी आपका हिप साइज है उसको 4 से डिवाइड करके उसमें आपको 2 इंच ज़्यादा लेना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक है, इसको मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसमें हम सबसे पहले लंबाई देखेंगे, आपके प्लाजो की लंबाई कितनी है, जैसे 40 है, किसी की 36 है, 38 है। जैसे कि जो मुझे इसकी जो टोटल लंबाई रखनी है वो मैं 50 इंच की रख रही हूँ टोटल टॉप पार्ट समेत। और अगर हम इसे ऐसे नापते हैं तो ये हमारा लगभग 40 के हिसाब से बैठ रहा है, मतलब 40 के लगभग बैठ रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको हम जितना भी हमने ऊपर का हिस्सा लिया है उतना यहाँ से लेके और नीचे तक मिलाएंगे, यहाँ तक आसन। तो आसन हमें कितना लेना है, आसन मैं ले रही हूँ यहाँ से 14 इंच पे। अगर आप हेल्दी हो और बड़े हो तो आपको ये आसन 16 इंच पे लेना है, कम नहीं लेना है। अब यहाँ से हो गया इसका बॉटम। अब बॉटम से लेके जो मैंने आसन के लिए निशान लगाया है वहाँ तक हम इसको मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये नीचे का बॉटम होगा, जैसे हम प्लाजो की कटिंग करते हैं कटिंग इसकी कुछ कुछ ऐसी ही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि ये हमारा इस टॉप पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में देनी है कि आपको जो अपना आसन है वो ज़्यादा लेना है अगर बड़े के लिए कट कर रहे हो, बच्चे के लिए कट कर रहे हो तो कम पे लें। तो ये देखिए, ये हमारे पास 2 पार्ट हो गए हैं आगे और पीछे के, और 2 पार्ट ही हमारे ये हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि अपने आगे वाले पार्ट को बीच में से कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पट्टियाँ लगाएंगे जिसमें हम आई और हुक बनाएंगे। तो यहाँ से ये मैंने 2 पीस को अलग कर दिया है, बैक पार्ट हमारा बंद ही रहेगा। अब हमने ये 3 इंच चौड़ी ली है एक पट्टी, और एक पट्टी ली है हमने 2.5 इंच चौड़ी। ये हमें जो बड़ी वाली पट्टी है वो हमें ऐसे रखनी है सीधी साइड को, और फिर इसे क्या करना है कि लगभग हम इसे 1 इंच बाहर निकाल के सिलाई कर देंगे, क्योंकि हम दूसरी पट्टी को इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ से हम इसको पूरा स्टिच कर देंगे, ये देखिए अंदर पूरा कपड़ा दबाते हुए, बस 1 इंच कपड़ा हमें बाहर की साइड रखना है जैसे हम
बटन और काज पट्टी बनाते हैं उसी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पट्टी को निकाल देंगे और अपना फ्रंट दूसरा वाला पार्ट लेंगे, पट्टी को सीधी साइड को रख के और उल्टी साइड को पूरा फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी नहीं रखना है ऊपर की साइड, ये पूरा ही अंदर फोल्ड कर देना है आपको। सिर्फ एक पट्टी में जो आपकी सीधी साइड की होगी उसमें रखना है आपको। अब यहाँ से हम इसको पूरा ही सिलेंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और इसके ऊपर इसको ओवरलैप करेंगे इस तरीके से। और यहाँ से मैं एक ये पीछे वाला पार्ट है और आगे वाले पार्ट को रख के इसका मैं शोल्डर जोड़ दूंगी। यहाँ से दोनों को रख के शोल्डर जोड़ देंगे हम इसका। शोल्डर हमारा जुड़ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम गले के लिए पट्टियाँ बनाएंगे। तो ये मैंने तिरछी पट्टियाँ कट कर ली हैं बचे हुए कपड़े में से। अब हम कपड़े को सीधा करके रखेंगे और पट्टी को लगभग आधा इंच निकाल के रखेंगे, क्योंकि हम इसे मोड़ेंगे भी अंदर की साइड। और बस ऐसे सिंगल करके इसको पूरा लगा देना है दोनों गले के ऊपर, और फिर इसे हम उल्टी साइड को पूरा फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, उसको मोड़ के और पूरा हम इस पट्टी को फोल्ड कर देंगे, जैसे हम गले को तैयार करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बुकरम का भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने ये गले तैयार कर लिए हैं। ये हमारी बाजू हैं, बाजू हमने जैसे नॉर्मल बाजू कट करते हैं उसी तरीके से हमने कट कर लिए हैं। बाजू की लंबाई 15 इंच है, और जैसे मैं आपको सिखाती हूँ हर बार की, आप चाहें तो इसे स्लीवलेस भी रख सकती हैं। अब बस ऐसे ही पूरी बाजू को हम लगा देंगे। तो ये बाजू हमारी एकदम बराबर आई है। अपने आर्म होल से 1.5 इंच ज़्यादा लेना होता है। अगर 7 इंच पे आर्म होल कट किए हैं तो 8.5 इंच बाजू की चौड़ाई लेनी होती है, मतलब उसके लिए कपड़ा लेना होता है। अब आपको फिटिंग करनी है, तो फिटिंग आपको ब्रेस्ट से तो इतनी करनी जैसे हम कुर्ती की करते हैं, लेकिन जो कमर वाली साइड है यहाँ से आपको सिर्फ 0.5 इंच कपड़ा दबाना है। ये वाली साइड से दोनों साइड से ही 0.5 इंच कपड़ा दबाना है। जैसे हमने 2 इंच ज़्यादा लिया है तो 1.5 इंच हमारा पूरा सेप रहना चाहिए, और सिर्फ 0.5 इंच पे हम सिलाई लगाएंगे। तो मैंने देखिए दोनों साइड को सिर्फ 0.5 इंच दबाया है, बाकी का पूरा कपड़ा मेरा सेफ है, क्योंकि मैं इसमें अलग से पट्टी लगाऊंगी। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को रख के या तो आप यहाँ पे पिन लगा लीजिए, या फिर आप इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा दीजिए बड़ा नंबर करके, क्योंकि हम जब अपने टॉप पार्ट को जोड़ेंगे नीचे के घेरे को, तो ताकि दिक्कत ना हो। अब ये हमारा प्लाजो है जो नीचे का होगा। अब हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर दूसरे पार्ट को रख के और इसका आसन सिल देंगे। तो दोनों आसन मैंने सिल दिए हैं। अब इसको इस तरीके से खोल के सीधा कर लेंगे और फिर उसके बाद इसके बॉटम को मोड़ेंगे हम लगभग 1-1 इंच के बराबर। दोनों हमें इसके पैर अच्छे से मोड़ देने हैं और फिर हमें इसे इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। सिर्फ कमर वाला हिस्सा हमें छोड़ना है, बाकी हमें पूरे ही हिस्से पे सिलाई लगा देनी है इसके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये हो गया हमारा आसन वाला हिस्सा। और अब हम दूसरी साइड से भी नाप के ही लेंगे ऐसे, और दूसरी साइड को भी हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, फिर मैं आपको नीचे ज़मीन पे रख के दिखाऊंगी कि आपको अपना टॉप पार्ट इसमें कैसे अटैच करना है। तो यहाँ तक हम ले आए इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने उल्टा करके रखा है और इसको सीधा करके और इसके अंदर ऐसे डाल देना है। और ध्यान रखना है कि दोनों हमारे ये पार्ट बराबर होने चाहिए। कोई भी पार्ट छोटा बड़ा बैठ रहा है तो उसको सिलाई करके आप बराबर कीजिए, और यहाँ पर आप 1-2 पिन लगा लीजिए इस तरीके से, ताकि आप जब सिलाई लगाएं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। तो अच्छे से फिक्स कर देंगे इसको, और फिर हम क्या करेंगे कि सिलाई मतलब पिन निकाल के और इसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ से मैं पूरी पिन निकालती जा रही हूँ और इसके ऊपर मैं पूरे में सिलाई लगा दूँगी इस तरीके से। और सिलाई लगाने के बाद इसमें हम जो जिसमें हम नाड़ा डालेंगे इसके अंदर, उसके लिए हम एक छोटा सा नेफा बनाएंगे। तो ये मैंने पूरे को कर लिया है सिल के तैयार। आप चाहें तो इसके ऊपर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको सीधा कर लेते हैं और इस सिलाई को अब हम निकाल देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे काज और बटन ही होंगे बस। आप आई हुक भी कर सकती हैं। अभी हम इसको ऐसे खोल के रख लेंगे और एक पट्टी ले लेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है, और ऐसे खोल के इसको और यहाँ से सेंटर से रखेंगे पट्टी को उल्टा करके। ठीक है, पट्टी को उल्टा करके रख रहे हैं हम सेंटर से, ये जो मैंने 1.5 इंच चौड़ी ली। और ध्यान रखें, नीचे का जो कपड़ा है
वो नहीं दबना चाहिए बिल्कुल भी, उसको ऐसे खोल खोल के आपको इस पट्टी को लगाते हुए चलना है। और कपड़ा थोड़ा सेम सेम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पट्टी को उल्टा करके रखना है सीधी साइड को, और सिलाई आपकी जो हमारा कमर वाला हिस्सा जुड़ा है अभी उसी सिलाई के ऊपर आनी चाहिए, यानी कि जहाँ से अभी मैंने टॉप पार्ट को जोड़ा है ना उसी सिलाई के ऊपर, और कपड़ा आपका जो अंदर हमारा मार्जिन होता है इसके वो एक ही साइड को होना चाहिए। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम उसी सेंटर में मोड़ के और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, दोनों साइड से मुड़नी चाहिए हमारी पट्टियाँ। अभी हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे रख के और पूरा स्टिच कर देंगे, ये देखिए यहाँ से, और अब इसको हम पूरे में सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हमने पूरे में लगा दी है। अब एक डोरी ले लेंगे, आप चाहें तो ऐसी डोरी भी बना सकते हैं, और सेफ्टी पिन की हेल्प से इसके अंदर हम पूरे में डाल देंगे जिससे हम इसे टाइट लूज कर सकें। तो इस तरीके से देखिए ये टाइट लूज के लिए हमने कर लिया है, हमारा जंप सूट बन के तैयार है। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है आपको तो नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।